इससे पहले कि हम ये वाला लेसन स्टार्ट करें आपको मैं चाह रहा कि आप मेरे साथ एक छोटी सी माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करें सो so, अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ तीन लंबे सांस लें ये एक्सरसाइज हमने क्यों की ये एक्सरसाइज हमने इसलिए की बिकॉज आजकल की इस डिजिटल दुनिया में वी गेट सो बिजी दैट वी फोगेट टू थिंक दैट आर माइंड नीड्स रेस्ट और अभी तक आपने इतने ज़्यादा जो लेसन सीखे हैं आपको माइंडफुलनेस की इस तरह की एक्सरसाइज और भी ज़्यादा करनी चाहिए सो यू कैन हैव अ बेटर माइंड बिकॉज इफ़ यू हैव अटर माइंड यू विल हैव अ बेटर एंड सक्सेसफुल लाइफ एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव रिलैक्स करना ना भूलें जिंदगी एक रेस है हम सब जानते हैं लेकिन एट द सेम टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू वाइंड डाउन इट्स इम्पॉर्टेंट टू फील योर स्पिरिट ओनली देन यू विल बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्री लांसर ऑन्टरप्रीनियोर और स्मार्ट वर्कर विद वट बेस्ट सो लेट्स मूव ऑन टू वट वी हैव लर्न सो फार एंड वट वील बी लर्निंग इन द फ्यूचर आपको अपना ऑब्जेक्टिव याद है आपने क्या सेटअप किया था नहीं तो प्लीज दोबारा उस ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करें एंड लेट्स डू अ क्विक रैप कि वर्ड प्रेस क्या है क्या चीजें अभी तक आपने सीखी बट इस लेसन में मैं रिकैप करने से ज्यादा आपको फोकस कराना चाहूँगा कि आपने अपना एक इमेज कैसे एडिट या डिलीट करना है एंड दैट्स गोइंग टू बी आर फोकस फॉर दिस पर्टिकुलर लेसन सो आफ्टर यू क्लिक एन इमेज

जब आप उस पर एक्स क्लिक करेंगे तो इमेज रिमूव होगा दैट डज नॉट मीन दैट द इमेज हैज़ बिन डिलीटेड सो इसका थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा और उस टूल बार को यूज़ करते हुए और आपको यहाँ पे इमेज एक नज़र भी आ रहा होगा विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट यू कैन ए लाइन इमेज और यू कैन इवन रिसाइज दैम सो इस स्क्रीन को अपने सामने यहाँ पे देखें और इसमें जो एक टूल बार है इमेज के ऊपर उसको देखें

ऑन द यू आर एल बॉक्स और मैं लिखूंगा स्लैश डब्ल्यू पी डैश एडमिन और वहां से आई कैन लॉग इन टू द वेबसाइट वेबसाइट पर लॉग इन करते ही मैं जाऊँगा एक नई पोस्ट पर एंड आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक नई पोस्ट ऐड की सो बिफोर इवन एडिटिंग एन इमेज वॉट इज द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन सोचे ज़रा वी नीड टू एड एन इमेज तो इस पर थोड़ा सा काम करते हैं लेट्स फर्स्ट एड एन इमेज एंड देन लेट्स ट्राई टू एडिट इट सो क्लिक ऑन एड मीडिया अच्छा अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने इमेज पहले यहाँ पर एड किए थे ये ऑलरेडी uh, आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुके हैं सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इमेज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये आपकी कंप्यूटर uh, पे नहीं सेव नाउ दे आर एडिड ऑन योर वेबसाइट एंड इसका आपको थोड़ा सा इसलिए भी ख्याल करना पड़ता है बिकॉज ईच इमेज इज एडिंग अगेंस्ट योर वेबसाइट स्टोरेज कोटा तो आप जितने ज़्यादा इमेजेस ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्टोरेज स्पेस कम होगी तो प्लीज़ देख के इमेज ऐड करें और खास तौर पर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत बड़े इमेजेस जो हैं वो ऐड ना करें दस दस एम बी के इमेज़ ना ऐड करें उससे आपकी स्पेस जल्द यूटिलाइज होगी एंड यू बी लेफ्ट विद वेरी स्मॉल स्पेस सो वी वील डू इज वी विल क्लिक ऑन वन इमेज आई लव दिस इमेज ऑफ लाहौर लाहौर का ये एक इमेज है मुझे बहुत पसंद है हमारी रिकॉर्डिंग भी इधर लाहौर में हो रही है तो वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट इन टू पोस्ट आई नेम दिस आई लव लाहौर एंड आई क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट और हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ये इमेज सामने नजर आ रहा है so, सो आप देख रहे हैं ये इमेज सामने भी वेबसाइट पे फ्रंट एंड पे नजर आ रहा है बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन एडिटिंग दिस इमेज तो हम मैं क्लिक करूंगा इस इमेज पे और अब आप देख रहे हैं वो पेंसिल आइकन एकदम से नजर आ गया और हम इन चीजों को थोड़ा मूव अराउंड करते हैं तो ताकि वी कैन सी के हाउ वी कैन एडिट और डिलीट एन इमेज अगर मैं इसको ए लाइन राइट करूंगा तो आप देखेंगे कि कैसे इमेज मूव कर जाएगा सो इफ आई क्लिक ऑन a लाइन राइट एंड इफ आई सेव द इमेज और अगर मैं अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करूं तो मुझे नजर आएगा कि वो इमेज की अलाइनमेंट जो है आप देख रहे हैं वो चेंज हो गई है सो दिस इज कॉल्ड इमेज अलाइनमेंट इमेज अलाइनमेंट से आपको ये फायदा होता है कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि पेज पे आपको अलाइनमेंट कहाँ चाहिए आपके पास चार ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट अलाइन सेंटर अलाइन राइट और नो अलाइनमेंट सो दिस इज़ वन वे सो other थिंग दैट यू want टू एक्सप्लोर इज यू want टू एडिट दिस इमेज तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे एंड इस इमेज को एडिट करने के लिए आ, हमारे पास एक ऑप्शन है कैप्शन की कैप्शन uh, अगर आप कोई डालना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट की आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है Uh, साथ साथ आपको अलाइनमेंट की द्वारा बात हो रही है अगर आप किसी इस इमेज को किसी से लिंक करना चाह रहे हैं वो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास कुछ एडवांस ऑप्शन भी हैं वो भी आप यहाँ पे एस के लिए ऐड कर सकते हैं uh, साथ साथ आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिसका नाम है साइज सो साइज़ में अगर आप देखें कि मैं फुल साइज़ पे ये इमेज ले जाऊंगा सो इट विल गिव मी अ बिगर इमेज एंड इफ आई क्लिक ऑन अपडेट ये देखें इमेज जो है वो बड़ा हो गया है आई क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट एंड दैट विल गिव मी एन आइडिया के ये इमेज अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ इसकी अलाइनमेंट कैसे चेंज हुई अब आप देखें इमेज बड़ा हो गया सामने सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ एडिटिंग दिस इमेज उसके अलावा अगर आप इस इमेज को रिमूव करना चाहें तो ये रिमूव हो गया इमेज आई कैन क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट और आप देखेंगे ये सामने से भी निकल गया है बट याद रखिएगा ये इमेज डिलीट नहीं हुआ सो so, ये इमेज अभी सिर्फ रिमूव हुआ है टू डिलीट दिस इमेज आई विल हैव टू गो बैक टू माई मीडिया लाइब्रेरी आप देख रहे हैं रिमूव हुआ है लेकिन डिलीट नहीं हुआ आई विल हैव टू क्लिक डिलीट परमानेंटली जब मैं डिलीट परमानेंटली क्लिक करूंगा तो ये इमेज डिलीट uh, हो जाएगा आपकी लाइब्रेरी से और आपकी जो वेबसाइट का स्टोरेज कोटा है दैट विल फ्री अप सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अलावा एक पॉइंट uh, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और ये कैप्शन टाइटल हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी इमेज को अगर एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे तो यू गेट ऑप्शन्स टू एडिट दिस इमेज लाइक क्रॉपिंग इट अगर मैं इमेज को क्रॉप करना चाहूँ आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि देखिए आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन सेव इट ये हम डिटेल में आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे बट माई ऑप्शन वॉज जस्ट टू शो यू कि आप इमेज़ को एडिट और रिमूव uh, कैसे कर सकते हैं सो यूज़ दिस पावरफुल फीचर ऑफ़ वर्ड प्रेस बिकॉज दिस अलाउज़ यू टू एडिट इमेज और आपको अब uh, पहले से कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है आप इसको लाइव कर सकते हैं वर्ड में सो आई होप यू इंजॉयड